नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम। आप देख रहे हैं टेक इंडिया टेक लेटेस्ट। वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। वीडियो में मोटो जी नाइन स्मार्टफोन के बारे में बात करूंगा। फिलहाल मोटो लेकर तब से इंडिया में लॉन्च हो चुका है। ये फोन आपको क्या क्या फीचर्स देखने में मिल जाता है, क्या 11,500 बजट रेंज में ये क्या बेस्ट फोन है, फुल डिटेल इस वीडियो में बात करूंगा। फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। डिस्प्ले की बात करें तो आपको डिवाइस में 6.5 इंच का HD प्लस IPS डिस्प्ले मिल जाता है। डिस्प्ले में आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो भी मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो आपको HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। फुल HD प्लस डिस्प्ले होता ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आपके लिए HD प्लस डिस्प्ले से अगर काम चल जाता है इस बजट रेंज में तो आप जरूर से चेक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको डिवाइस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 662 ऑक्टा कोर 11 नैनोमीटर प्रोसेसर मिल जाता है। यह क्वालकॉम की तरफ से 6 सीरीज का पहला प्रोसेसर है जिसमें कि आपको नाविक का सपोर्ट देखने मिल जाता है। इसके साथ आपको डिवाइस में US का ग्लोनस और इंडिया का नाविक दोनों का सपोर्ट मिल जाता है। डिवाइस में आपको एड्रीनो का 610 GB भी मिल जाता है। रैम की बात करें तो आपको डिवाइस में 4 GB का रैम 64 GB का रोम के साथ मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको डे टू लाइफ यूसेज में कोई भी प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगा, लेकिन आप गेमिंग करना चाहते हैं तो एवरेज टाइप का ही गेमिंग कर पाएंगे इस फोन में। कैमरा की बात करें तो आपको डिवाइस में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा f1.7 अपर्चर मिल जाता है। इसके साथ ही आप डिवाइस से लो लाइट फोटोग्राफी बहुत अच्छा क्वालिटी का कर पाएंगे। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी मिल जाता है। इसके साथ ही आपको डिवाइस में फ्रंट की तरफ 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिल जाता है। डिवाइस से फुल HD वीडियो 30 FPS में रिकॉर्ड कर पाएंगे, रॉ इमेजेस भी कैप्चर कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको गूगल लेंस का भी सपोर्ट मिल जाता है। कैमरा की बात करें तो बजट के हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वालिटी कैमरा मिल जाता है, लेकिन आपको अगर इससे भी अच्छा क्वालिटी कैमरा फोन चाहिए तो अदर डिवाइस आप चेक कर सकते हैं। बैटरी एंड चार्जर की बात करें तो आपको डिवाइस में 5000 mAh का हाई कैपेसिटी बैटरी मिल जाता है। इसके साथ ही आपको डिवाइस में 20W का टर्बो पावर चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है जो आपके डिवाइस को बहुत तेज़ी से चार्ज कर देता है। फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर से प्रेस कर देना ऐसे टाइप का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड सिक्योरिटी की बात करें तो आपको डिवाइस में फिंगरप्रिंट सेंसर और इसके साथ ही आपको फेस अनलॉक को सपोर्ट मिल जाता है जो आपके डिवाइस को बहुत तेज़ी से अनलॉक कर देता है। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको डिवाइस में डुअल 4G नेटवर्क का सपोर्ट मिल जाता है। इसके साथ ही आपको डिवाइस में टाइप सी पोर्ट का भी सपोर्ट मिल जाता है। NFC हाइब्रिड सिम स्लॉट भी आपको डिवाइस पर देखने को जरूर से मिल जाता है। OS और एंड्रॉइड की बात करें तो आपको डिवाइस में मोटोरोला की तरफ से स्टॉक एंड्रॉइड का फीचर देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही आपको डिवाइस में एंड्रॉइड 10 का भी सपोर्ट मिल जाता है। सेंसर की बात करें तो आपको डिवाइस में 3.5 का सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही आपको डिवाइस में फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को जरूर से मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो 4GB रैम 64GB वेरियंट 11,499 में आपको देखने को मिल जाता है। फ्रेंड आपको मोटोरोला का स्टॉक एंड्रॉइड का फीचर अच्छा लगता है, आपको स्टॉक एंड्रॉइड फोन ही चाहिए, वेलकम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला फ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन को आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप रियलमी नार्जो 10 को भी चेक कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा फ़ोन है। फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा, मोटो G9 का कौन सा फीचर आपको ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जोर से बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जोर से प्रेस कर देना ऐसे टाइप को मिलता है वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।